तो कुछ साल पहले मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था जो था रोरो, आर ओ आर ओ, यानी रोल ऑफ रोल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इसमें होता यह है कि मान लीजिए आज एक ट्रक को भोपाल से भुवनेश्वर जाना है, तो भाई उसकी जगह ये ट्रक क्या करेगा, एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, यानी एक एक्सक्लूसिव मालगाड़ी होगी जो इस प्रकार के ट्रकों को अपने ऊपर रखेगी, भोपाल स्टेशन से जाके भुवनेश्वर में छोड़ देगी। फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेलवे है ये बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। इसमें पर केजी या पर टन जो कॉस्टिंग आती है बहुत कम आती है, पॉल्यूशन कम होगा, इसके अलावा जो ट्रैफिक है आपके हाईवेज पे कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा। और ये आज हमारे मन में इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है, इंडिया में होता है कई कई जगहों पर, रोरो में मैंने आपको फ़ोटो भी लगाया है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आज जैसे मध्य प्रदेश में या 8 राज्यों में भारत में चल रही है स्ट्राइक ट्रांसपोर्टेशन की, इन्हें कहीं ना कहीं हमको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन से अगर कोई तकलीफ आ रही है या अदरवाइज़ कोई और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कैसे उनसे निपटा जा सकता है, कौन से नई टेक्नोलॉजी, कौन से नए आइडियाज़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं तब आती है मन में जब आदमी कोई परेशानी को जूझता है।